नमस्कार, सुप्रीम टीम समाचार में आप सभी का स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। क्षेत्र पंचायत मैनाथपुर से प्रत्याशी हमारे समक्ष मौजूद है। सर, ये बताइए, आप अपना शुभ नाम बताते हुए बताइए कि वर्तमान समय में जो परिस्थिति बनती जा रही है, लोकल स्तर पे जो है काम नहीं होता है। लोग कहते हैं कि महाप्रधान लोग तो वादे बहुत करते हैं, लेकिन वादे करके जीतने के बाद वो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। सही। क्या आप हमारे चैनल के माध्यम से जनता से ये वादा कर पाएंगे कि अगर जनता हमको मौका देती है तो हम पूरे 5 साल जो है जनता के बीच में रहेंगे, ये वादा कर सकते हैं? जी सर, ऐसा है कि श्री जोगेंद्र राम, ग्राम चौबा, जिला पंचायत क्षेत्र मेहनाजपुर से मैं निर्दल प्रत्याशी अभी मैदान में घूम रहा हूँ। अभी किसी पार्टी से अधिकृत नहीं हूँ और क्षेत्र के बीच में मैं 2 बार लड़ा भी हूँ। जनता के बीच में 2 बार मैं लड़ा प्रत्याशी हूँ। आज जनता के बीच में मेरा जो कुछ भी है या जनता फैसला देगी। और हाँ, बात वादा का, मैं चुनावी तौर पर मैं आज तक किसी को कोई वादा नहीं किया, ना आज दौड़ा हूँ फील्ड में किसी को झूठा वादा। वादा माने झूठा होता है। रह गया जनता बताएगी कि मैं हारने के बाद भी जनता के बीच में आज 10 साल से हूँ और जीतने के बाद भी इस जनता के बीच में ही रहूंगा। कहीं मुझे और जाना नहीं है, इस जनता के दुख दर्द में हाजिर रहूंगा। तो सर, ये बताइए, आपके पास कौन सा ऐसा मुद्दा होगा जिसको आप जनता के बीच में लेकर जाना चाहेंगे? वो तो सर जो है जनता के बीच में देखो, कोई मुद्दा फरार वाला तो हम कर नहीं पाएंगे कि ये कर देंगे वो कर देंगे, झूठा वादा। वो तो सत्ता मिलने के बाद समय बताएगी कि मैं जनता को क्या कर रहा हूँ क्या नहीं। विकास के लिए मैं सदा सबके साथ कंधा से कंधा लगाकर चलूंगा। ये बताइए, अगर जनता आपको मौका देती है, ठीक, ये क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ है क्षेत्र, जी सर, तो इस क्षेत्र की वह कौन सी समस्या होगी जिसको आप पहले हल करना चाहेंगे? देखिए सर, वो तो सत्ता मिलने के बाद होगा। कि अभी मैं कह दूं कि ये कर दूंगा वो कर दूंगा तो ये तो झूठा वादा है। नहीं सर, मैं ये कह रहा हूँ, जनता जो तय करेगी कि नहीं, ये जरूर जनता अगर मुझे चुनती है, चुन के लाती है, तो ये जनता हमारी तय करेगी कि पहले ये काम जरूरी है इसको करिए, तो जोगिंदर राम पहले समर्पित कर देगा शरीर को कि इस काम को पहले करिए जिससे कि क्षेत्र का विकास हो। जी, मेरा नाम हरि तीरथ यादव है। जी, ये बताइए, इस क्षेत्र में जो है महाप्रधान पद के तो कई प्रत्याशी होंगे, आपको सबसे योग्य ईमानदार प्रत्याशी कौन? हमको सबसे योग्य और ईमानदार कर्मठ प्रत्याशी के रूप में जो जोगेंद्र राम नेताजी मिले हैं, ये हमारे क्षेत्र में हमेशा लगे रहते हैं, सुख दुख में सबके साथ रहे हैं। गांव में बहुत ऐसे रोड चकरोड के लिए जो यहां से लेके लखनऊ तक घूमे हैं, आज से नहीं बहुत पहले से 15-20 सालों से हमारे गांव में रोड की व्यवस्था नहीं थी। यहां से सुखदेव राज भट्ट जी के यहां गए, समाजवादी पार्टी में गए, नरेंद्र सिंह के यहां गए, रोड का काम किए, विद्यालय के लिए कुछ काम करवाए हैं। और जब कहीं भी सुख दुख की समस्या होती है वहाँ पहुँचते हैं, समय से पहुँचते हैं, वहाँ सब समय से देखते हैं। नाम बताते हुए बताइए कि जोगिंदर राम, जिनके विषय में अभी भैया ने बताया है, इनके व्यक्तित्व के विषय में बताइए जो है। यह सदैव गरीबों के लिए समर्पित रहे हैं जी, और हमारे मित्र हैं जी। और मेरा नाम जीत बहादुर शेष सिंह है जी। रामपुर जमीन पालन का रहने वाला जी। ये गरीबों के सुख दुख, माँ बहनों के दुख दर्द में सदैव तत्पर रहते। बहुत बहुत धन्यवाद। और जो है इनका आगे भी मिशन है, गरीबों बस्तियों में नाली नहीं है, जो रास्ता रुका हुआ है, ठक्कर लगा के बड़े बड़े लोग जो है मतलब कि झगड़ा लगाए हैं, उनको छुड़ाना भी शामिल है। बहुत बहुत धन्यवाद।